हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे। चैप्टर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है, हमारे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो, चाहे फिर आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हो, एसएस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स अपना, या फिर संस्कृत, या हिंदी, या इंग्लिश, कुछ भी पढ़ना चाहते हो, सब आपको हमारे चैप्टर चैनल पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पर आपके सारे के सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? द मेन स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। बाकी सारे जो अंडरलाइंड हैं ये सारे मैंने भर दिए हैं ना, आपके में बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आपको भरना क्या है? द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन। ये ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से होता है, ये प्रोसेस है पूरा। पहले आप खाते हो, है ना, इंजेस्ट करते हो, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर बॉडी एब्जॉर्ब करती है, कुछ एसिमिलेशन करती है, और फिर डिजेशन हो जाता है, बाहर निकल जाता है ना। तो ऐसे ही लिखना है स्टेप वाइज, आगे पीछे नहीं लिखना है, वरना नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कौन सा होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड कई बार पढ़ चुके हो चैप्टर में आप, लीवर। द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच आर एक्ट ऑन फूड। तो कौन सा, स्टोमक में क्या क्या आता है? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके बैक्टीरिया वगैरह मारता है, और दूसरा गैस्ट्रिक जूसेस आते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है? गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। उनको क्या बोलते हैं? हम विली बोलते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, उसमें बहुत सारी फिंगर जैसी बनी हुई होती हैं, ठीक है, उसको हम विली कहते हैं। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। ठीक है, अमीबा कहाँ डाइजेस्ट करता है अपना फूड को? फूड वैक्यूल में। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ट्रू एंड फॉल्स। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमेक। नहीं, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में। तो ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। बिल्कुल सही है, सलाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ टंग। ठीक है, ट्रू हो गई। द गॉल ब्लैडर टेम्पररली स्टोर्स बाइल। बिल्कुल ट्रू है ना, गॉल ब्लैडर बाइल को टेम्पररली स्टोर करता है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलन ग्रास इन टू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। ये भी ट्रू है। जो गाय वगैरह होती है, आपने देखा कि वो क्या करते हैं, दिन भर ज्वाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहती है ना, और च्यू करते रहती है। तो वही होता है, उनके रुमिनेंट वाले हिस्से में जाके खाना स्टोर हो जाता है, उसके बाद फिर वो वहां से लेकर के दिन भर उसको चबाते रहते हैं। ठीक, अब आपको इसमें से चूज करना है। ठीक है, टिक करना है। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन कहाँ? स्टोमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में? कहाँ होता है फैट? होता है डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, मैं इसको रेड मार्क से कर दे रहा हूँ। देखो तुम लोग साथ ही साथ, जब तक मैं चैप्टर को बता रहा हूँ तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना, ताकि आप आराम से उसको बाद में लिख सकते हो, या फिर आप स्क्रीन रोक के लिख लो कॉपी में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द स्टोमेक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। देखो वाटर का जब भी बात आएगी ना, कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो वो खाली वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, वाटर कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। ये मैच द फॉलोइंग है, तो मैंने मैच पहले ही कर दिया। इधर फूड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और कहाँ पे ये डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद क्या बन जाते हैं, ये तुम्हारे खाने में आते हैं। ठीक है, जो भी तुम खाते हो उसमें ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो डाइजेशन हमारे पेट में होता है ना, स्टोमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके बाद क्या बन जाते हैं वो, तो वो बताना है। कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या बन जाता है? शुगर बन जाता है। प्रोटीन क्या बनता है? अमीनो एसिड बन जाता है। और फैट क्या बनता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन जाता है। ये मैच करना था आपने। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अब देखो अभी पढ़ा था हमने, है ना, कि विली क्या होता है, बोल रहा है व्हाट इज विली एंड व्हाट इज देयर लोकेशन फंक्शन। तो इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ना हजारों के संख्या में, हाँ, थाउजेंड्स फिंगर लाइक छोटी छोटी सी
होती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, विली कहलाती हैं। ठीक, अब इनका फंक्शन क्या है, विली आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करती है, आप देखो कई चीज़ें छोटी छोटी जब होंगी, है ना, अगर आप सोच कर देखो एक पाइप, हम उस पाइप में अगर हम बहुत सारी कीलें ठोक दें अंदर की तरफ में, तो अब उसके बाद अगर हम कुछ उसमें से बहाएं खाने की चीज़, तो क्या होगी, वो रुक जाएगी ना, रुक रुक के आप पास होगी आगे थोड़ा सा, है ना, पानी से थोड़ा थोड़ा आगे धीरे धीरे पास होगी, लेकिन ज़्यादातर क्या होगी, वो कीलों में चिपक जाएंगी, है ना। तो क्या कर रही है, वो सरफेस एरिया बढ़ा रही है, ठीक है, और वहां से वो क्या हो जाता है, वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है ये विलीज के वजह से, और फिर वो वहां से ब्लड में चला जाता है ना, अब ब्लड से फिर वो सेल्स में चला जाता है जहां भी उसकी जरूरत है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये मेन फंक्शन है इसका, ठीक। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सर्फेस। अब देखो विली तो हम पूरे क्या बोल रहे हैं, जो नेटवर्क है ना, पूरा का पूरा जो आपका थाउजेंड्स ऑफ फिंगर्स हैं उनको हम बोल रहे हैं विली, लेकिन इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, विलस बोलेंगे, ठीक है। उस पर क्या होता है, उसमें बहुत सारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं, थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी सरफेस पे, ठीक है। उससे क्या होता है, वो फटाक से एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी प्रोटीन हो, चाहे आपका प्रोटीन आ रहा हो अमीनो एसिड बन के, चाहे शुगर आ रहा हो, चाहे फैटी एसिड आ रहा हो, ग्लिसरॉल आ रहा हो, उन सबको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ से, ठीक है, ब्लड में। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और जो सर्फेस है वो डाइजेस्टेड फूड इस तरीके से पूरा एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, और जो नहीं एब्जॉर्ब होता है फिर वो आगे चला जाता है वेस्ट होके, आप टॉयलेट में निकाल देते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3-6, व्हाट इज द बाइल, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और बाइल कौन से कंपोनेंट को हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बाइल्स आर प्रोड्यूस बाय लीवर, कौन बनाता है, लीवर बनाता है, और टेम्पोरली स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, ये याद रखना, बाइल कहाँ बनता है, लीवर में, और टेम्पोरली स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, और फिर गॉल ब्लैडर से वो आगे चला जाता है स्टोमक वगैरह में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेस्ट किसको करता है, ये इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रिमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो रिमिनेंट्स, काऊ वगैरह जो जानवर हैं वो तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन हम ह्यूमंस नहीं कर सकते, और इसका रीजन भी बताओ। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो हर्बीवोरस एनिमल्स, है ना, इंक्लूडिंग रूमिनेंट्स, वो लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर सकते, ह्यूमंस नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिखा हुआ सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीसम, है ना, रूमिनेंट्स के पास एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, सीजम कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बैग जैसा बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, उसको सीजम बोलते हैं, ठीक है। ये किसमें होता है, रूमिनेंट्स का होता है, हमें नहीं, काऊ में, बफेलो वगैरह में होता है। द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। और इस सीजम में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ये वाले जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ह्यूमंस में नहीं होते हैं, इस चलते हम सेलुलोज को नहीं खा सकते, हम घास नहीं खा सकते इसीलिए, है ना, या पत्ते नहीं खा सकते हम, क्यों, क्योंकि घास पत्ती वगैरह में सेलुलोज होता है और वो सेलुलोज हम नहीं पचा सकते क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया नहीं है स्पेशल वाला, ठीक है, जो इनमें होता है। आगे समझ में, चलो अगला, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज पीते हो तो आपको एकदम एनर्जी आ जाती है, क्यों, ऐसा क्यों है। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी ब्रोकन डाउन इजली टू प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है, एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, सबसे आसान कार्बोहाइड्रेट है, और आप जैसे ही उसको पीते हो ना, वो फटाक से तोड़ा जा सकता है, ठीक है, और उसको तोड़ करके आराम से आपको एनर्जी मिल जाती है, ठीक। सो वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, उसको ब्रेक डाउन करने में टाइम नहीं लगता, बाकी आप कुछ और कार्बोहाइड्रेट खाओगे
सपोज बिस्कुट खाते हो या आप रोटी खाते हो तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ग्लूकोज इतना सिंपल कार्बोहाइड्रेट है कि वो स्टोमक में जाते ही फट से एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो इस चलते आपके ब्लड में इमीडिएट एनर्जी आ जाती है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन, आपको बताना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिनको मैंने अंडरलाइन कर रखा, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने भर दिया यहाँ पे, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है बुक में जो अंडरलाइन है। एक सेकंड, मैं पहले इसको कर दूँ उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या चीज है भाई, अच्छे से पूरा समझ के जाएंगे, चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी यहाँ से पूरा समझ के जाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ करते हैं, माउथ में करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, बक्कल कैविटी। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ मरता है, स्टोमक में मारा जाता है ना। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ पीसेस, जो टॉयलेट आपका होता है बनता है वो कहाँ बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, ठीक। तो ये आप फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो या फिर लिख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। अब आपको बताना है कि सिमिलैरिटी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमंस के बीच में वन सिमिलैरिटी और वन डिफरेंस बताना है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट फूड, ठीक है। जैसे हम डाइजेस्टिव, हमारे स्टोमक में डाइजेस्टिव फूड जूस आता है फिर वो उसको कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है ना, उसी तरीके से अमीबा भी करता है, उसके भी डाइजेस्टिव जूसेस से वो डाइजेस्ट करता है फूड। डिफरेंस क्या है हम दोनों के बीच में, ह्यूमंस और अमीबा के बीच में, ह्यूमन बींग्स नीड टू च्यू फूड वेयर एज इन अमीबा देर इज नो च्यूइंग। हम लोग क्या करते हैं, मुँह में खाते हैं, चबाते हैं, चबाने से सलाइवा भी मिक्स होता है उसमें, है ना, डाइजेशन स्टार्ट होता है आपका स्टार्च वगैरह का। तो लेकिन अमीबा च्यू नहीं करता है, ठीक है, वो डायरेक्ट खा लेता है, ये डिफरेंस है मेजर, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों, हम दोनों क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस यूज करते हैं, और डिफरेंस क्या है कि हम च्यू करते हैं फूड को, वो च्यू नहीं करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, मैच द फॉलोइंग आइटम्स, कॉलम वन कॉलम टू, मैंने मिला रखा है, मैं एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ। सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सैलिवा सिक्रीशन होता है, ठीक। स्टोमक से क्या होता है, स्टोमक में एसिड रिलीज होते हैं बहुत सारे। लीवर में बाइल जूस सिक्रीशन होता है, अभी पढ़ा हमने, क्रिएशन भी होता है, पहले प्रोड्यूस होता है लीवर में और उसके बाद वो सिक्रेट कर देता है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है ना। रेक्टम, रेक्टम से आप क्या कहते हो, रिलीज ऑफ फीसेस, टॉयलेट बाहर जाता है वहाँ से। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट और चलो अभी लास्ट है आपका, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, सॉरी ज्यादा ही छोटा हो गया, ये आपको लेबल करना था, डायग्राम है ना, लेबल द डायग्राम। तो सबसे पहले ऊपर से जो हमारे जाता है सांस वाली नली आती है ऊपर से, जब हम खाते हैं तो एक पाइप है ना, वो पाइप नीचे तक स्टोमक तक कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओसोफेगस, ठीक। फिर इधर में क्या है, ये तो स्टोमक है ये वाला जो आप देख रहे हो है, फिर उसके ऊपर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है। यहाँ पे लीवर कहाँ है, लीवर ये पीछे की साइड में जो सबसे बड़ा वाला है ट्रायंगल शेप का बना हुआ है ना, वो पैनक्रियाज ठीक स्टोमक के नीचे में होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो ये मुड़ी मुड़ी सी है, मुड़ी मुड़ी से हैं खूब सारी स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये जो बड़ी वाली है, ठीक है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन। फिर सबसे नीचे में एनस, और ठीक उससे ऊपर में जगह होती है जो पाउच होता है, रेक्टम कहलाता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना अपना, इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, आपको मार्क करना है, बट पहचानो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, आपके बुक में जो बाकी क्वेश्चन है 11, 12 वगैरह और जो एक्सटेंडेड लर्निंग है, वो एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो मैं उनको छोड़ दे रहा हूँ। तो ये था पूरा चैप्टर, अब मिलते हैं हम लोग आपसे अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में, और एक बार फिर से याद दिला दूँ कि सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो फटाफट हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके
देख लो फटाफट सारे चैप्टर, हमने बहुत डिटेल में कर रखे हैं, हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, एक एक टर्म अच्छे से समझा रखी है हमने, ठीक है। और ऊपर से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 10 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार समझ नहीं आ रहा, पीछे करो, फिर से देखो, ठीक है। हर हर एक चैप्टर को 2 बार 3 बार देख लोगे ना, एकदम आपको रट जाएगी चीज़ें, बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।